A bag is gently dropped on a conveyor belt moving at a speed of 2 meter per second. The coefficient of friction between the conveyor belt and the bag is 0.4. Initially, the bag slips on the belt before it stops due to friction. The distance traveled by the bag on the belt during the slipping motion is. सुन अब यहाँ पर चाहे तो आप ये कह दो कि देखो एक बेल्ट जा रही थी कितनी स्पीड से, 2 की स्पीड से, अचानक एक बैग छोड़ दिया उस पर या ब्लॉक छोड़ दिया, म्यू है 0.4, तो वो कितना उसके ऊपर स्लिप करेगा, या फिर इसका उल्टा कर दो यार, बेल्ट रेस्ट में, ये ग्राउंड रेस्ट में है और ब्लॉक को फेंक दिया ऐसे, कितनी स्पीड से, 2 की स्पीड से, और म्यू कितना है, 0.4, ठीक है, कितनी डिस्टेंस के बाद ही रुक जाएगा, बात एक ही है, चलना तो किसी एक को है, इसमें क्या कह रहा है कि बेल्ट जा रही थी, चलती हुई बेल्ट पे ब्लॉक को रख दिया, मतलब एक चीज रेस्ट में थी एक चीज मोशन में थी, सीधी सी बात है, अब उल्टा कर दो आंसर सेम आता है, ग्राउंड को रेस्ट में कर दो, बेल्ट को रेस्ट में कर दो, बेल्ट के ऊपर एक ब्लॉक फेंक दिया, इतनी ही स्पीड से म्यू इतना ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आता है, मतलब ये ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर एक बॉल या ब्लॉक फेंक दिया कितनी स्पीड से, 2 मीटर पर सेकंड से, और म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.4। एक बात बताइए, रिटार्डेशन कितने का होगा इसमें, म्यू जी का रिटार्डेशन, मतलब 4 का रिटार्डेशन होगा, तो इसने बोला कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इसमें 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन है, तो थर्ड इक्वेशन लगा दो बस आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर देखो v² = u² + 2s, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 2 का स्क्वायर, -2 × 4 × s, एस की वैल्यू आ जाएगी 4/8, 4/8 का मतलब 0.5 मीटर, ये लो आंसर आ गया 0.5 मीटर। वैसे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल सही है, वैसे मतलब आपको जो ना, मतलब ये चीज़ मेरे माइंड में अब आई, ये चीज़ कि मतलब ऐसा कर लें तो कितना फास्ट हो जाएगा क्वेश्चन, अगर कहीं जैसे कि आपने ऐसे क्वेश्चन तो बहुत किए हैं कि ग्राउंड के ऊपर एक बॉल को फेंक दिया वो कितने टाइम बाद रुकेगी या कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुकेगी, और ऐसे क्वेश्चन सिर्फ इतना हमें पता होता है जल्दी करने का कि म्यूजिक का रिटार्डेशन होता है बस, अगर बेल्ट मूव कर रही हो उसके ऊपर कोई सामान रख दोगे तो भी वैसा ही होगा सेम, ऐसे ना सोचे तो फिर सोचने का तरीका थोड़ा बदलना पड़ेगा बस आपको, ठीक है ना, इसके अंदर जो है ना वो मैं बता चुका हूँ, इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस पहले हमने किए हैं, हाँ वो सोने का ब्लॉक था, गोल्ड का ब्लॉक, बार बार बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए थे, बिल्कुल हाँ, इसको ऊपर से बार बार गिरा रहे थे, वो जो क्वेश्चन थे उसी तरीके से इसको करेंगे, ठीक है।